क्या भारत सरकार अब अग्निवीर योजना को खत्म कर देगी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अग्निवीर अमृतपाल सिंह शहीद हो गए थे और सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा देने से भी मना कर दिया और इसी चीज को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और यहीं पे एक और मामला सामने निकल कर आया है जहाँ पर जो अक्षय लक्ष्मण है, जो एक अग्निवीर है और सियाचिन में तैनात है, वो भी शहीद हो गए हैं। अग्निवीर की ट्रेनिंग के बाद जो अजय लक्ष्मण थे उनको सीधे ही लद्दाख के सियाचिन में तैनात कर दिया गया था। सोचिए, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही लद्दाख के सियाचिन में तैनात कर दिया जाता है उनको। 20 साल के एक सैनिक को सीधे सियाचिन में तैनात कर दिया जाता है जहां का जो टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस होता है और जहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वो अच्छे अच्छों का खून जमा दे। सियाचिन में मौसम अक्सर खराब रहता है, इतनी ज्यादा ठंड होती है कि अगर यहाँ पर ज्यादा समय तक रहा जाए तो जवानों को देखने सुनने में दिक्कत होने लगती है और यहाँ तक कि उनके याददाश्त में भी कमी आने लगती है। इसके अलावा उन्हें सांस लेने में दिक्कत और भी दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको होने लगती हैं। और एक ऐसे ही खतरनाक जगह पे 20 साल के अग्निवीर अजय लक्ष्मण को वहाँ पे भेज दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सियाचिन है वो दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस जगहों में से एक है, जहां ना तो आसानी से पहुंचा जा सकता है और ना ही वहां से आसानी से वापस आया जा सकता है। वहां पर रहना तो बहुत दूर की बात है। सियाचिन में -70 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से वहां पर तैनात आर्मी के जवानों को हर 3 से 6 महीने के बीच में वहां से दूसरी जगह पर तैनात कर दिया जाता है, यानी उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि जो उनकी बॉडी है वो अपने आप को रिकवर कर सके, क्योंकि इंसानी बॉडी लंबे समय तक इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए सियाचिन में जवानों को रहकर अपनी ड्यूटी करने के लिए उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जहां पर अग्निवीरों को आर्मी की सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक ऐसी जगह पर तैनात कर दिया जाता है जहां के मौसम के बारे में, जहां के वातावरण के बारे में वो कुछ नहीं जानते और ना ही वो उस चीज के लिए तैयार हैं। उन्हें वैसे ही एक जगह पर भेज दिया जाता है और इसीलिए वो अपनी जान गंवा बैठते हैं और इसी वजह से चारों तरफ अग्निवीर योजना का विरोध किया जा रहा है। और अगर यही विरोध सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर उतर जाए तो हो सकता है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून की तरह ही इस कानून को भी वापस लेना पड़ जाए। यानी जिस तरीके से किसानों के लंबे समय तक दिल्ली के सड़कों पर विरोध करने के बाद सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा था, उनकी बातों को मानना पड़ा था, हो सकता है कि सरकार इस कानून को भी वापस ले ले और फिर से वही पुराने आर्मी के कानूनों को लागू कर दे। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो अग्निवीर योजना है ये इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेकार और सबसे ज्यादा यूजलेस योजना है और इससे बेकार और इससे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। आप लोग इस अग्निवीर योजना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।